एसएससी सीजीएल 2022 में बाकी सभी रीजन का आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आ चुका है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी आपका नहीं आया है। तो अभी जैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आपका आएगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। साथ ही जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई 4 तारीख को आपका WUJSO का एग्ज़ाम होना है तो क्या वो देना कंपलसरी है, तो पहली चीज़ अगर आप उसके लिए पास हुए हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप देना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका जो अदर जो भी आपकी पोस्ट है उनके लिए तो आपके चांस बनता ही बनता है, साथ ही यहाँ पर भी सिलेक्शन का चांस आपका अलग से क्रिएट हो जाता है। मान लो अगर आप पेपर 2 में बाकी अदर पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हुए लेकिन WUO और या JSO के पेपर में नंबर अच्छे हैं और अगर वहाँ क्वालिफाई हो गए तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंपल्सन नहीं है, अगर आपने चूज़ किया एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट हुए हो, अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी अदर जो भी पोस्ट है WUJSO के अलावा उसमें कहीं ना कहीं आपको कंसीडर किया जाएगा नहीं भी देने पर WUJSO का एग्ज़ाम, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स अच्छे से थे, बाकी जैसा जो कुछ आएगा आपको बताया जाता रहेगा। कोई भी क्वेरी रहे इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ओके।